आज हम इस ग्लास बॉटल को इस गैस टॉर्च की मदद से पिघलाकर एक नए तरीके का ग्लास बॉटल आर्ट बनाने वाले हैं। मैंने गैस टॉर्च को फुल फ्लेम पर सेट करके बॉटल के सामने रख दिया और अब शायद बॉटल पिघल जाएगा, लेकिन मैंने जितना आसान सोचा था ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि थोड़ी ही देर में हमारा बॉटल टूट गया। लेकिन बॉटल टूटने के बाद भी ये काफी अच्छा दिख रहा था और मुझे लगा हमारा बॉटल आर्ट अब बनने वाला है, तभी ये भी टूट गया। अब पूरे चार बॉटल टूटने के बाद मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसे अलग तरीके से बनाया जाए। इस छोटे से भट्टी में हमें ग्लास को डालना है और गैस टॉर्च से पिघलाने के बाद ये एक कैंडी के जैसा दिखना शुरू हो गया था और फाइनली एक बॉल का शेप तो हमने बना लिया।